शिक्षा का अंधियारा, शिक्षा विभाग के रिपोर्ट के बाद ये सब सामने आ गया है और ये मुद्दा इतना गंभीर है जिस पर चर्चा करनी भी उतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। नगेंद्र शेखावत जी कांग्रेस से हमारे साथ लगातार बने हुए, बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ लगातार बने हुए, आप दोनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नगेंद्र जी, ब्रेक से पहले लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि जो अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सामने आ रहा है वो सरकार की वजह से, जो मेहनत यहां पर की जा रही है, जो प्रयास यहां पर किया जा रहा है, लेकिन जो अंधियारा है वो पिछली सरकार की वजह से है। ये देखिए, लक्ष्मीकांत जी जब विपक्ष में थे तब भी इनका यही आरोप था कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर, और आज जब ये सरकार में है और जब इनको काम करने का मौका मिल गया है तब भी ये कांग्रेस की सरकार को दोष दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे बड़ा दुर्भाग्यजनक लगता है कि ऐसे लोगों के सामने पास में आज शासन व्यवस्था है कि जो सिर्फ आरोप लगाने की बात करते हैं, काम करने के नाम पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। आप ये देखिए, इन्होंने एकीकरण सामान्यकरण के नाम पर स्कूलों को बंद किया, 20,000 से ज़्यादा स्कूलें जो हैं प्रदेश में बंद हो गई। उसके बाद ये लगातार ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो नामांकन है वो बढ़ रहे हैं, हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, और धरातल पर जो स्थिति है वो ये है कि स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, जिस तरीके से बिजली की व्यवस्था नहीं है, कंप्यूटर का जो कोर्स वहाँ चल रहा है उसको पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं, जब बिजली नहीं होगी तो कंप्यूटर का काम किया वहाँ पे। और दूसरी तरफ प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र सरकार बार बार कहती है कि हमको डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ना है, हमें स्टूडेंट को जो है कंप्यूटर से जोड़ना है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ जी, अफसोस की बात है कि 4 साल के बाद भी वो जो प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं को लेकर वो भी पूरे यहाँ पर नहीं हो पाए। प्रियंका जी, 4 साल के बाद भी अगर आप इनसे कुछ पूछते हैं तो ये एक ही सवाल कहते हैं या एक ही जवाब इनके पास है, कांग्रेस, कि कांग्रेस ने ऐसा किया, ये सब सिर्फ कांग्रेस के कारण है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब सबके सबके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है तो निश्चित रूप से पिछले चार साल से लगातार जनता यही सुन रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो करा जा रहा है वो कांग्रेस का करा हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी जो उपचुनाव में जो रिजल्ट आया है, जनता मानस बना के बैठ गई है कि अब कांग्रेस को ही हमें जिम्मेदारी देनी है, क्योंकि इनके पास भी भारतीय जनता पार्टी से भी सरकार से पूछा जाता है तो कांग्रेस का ही नाम निकलता है। तो अल्टीमेटली जनता ये मानस बना चुकी है, अब इनकी उल्टी की दिशा है और आंकड़ों के बलबूते पर सरकार नहीं चलती, इसीलिए यहाँ पर बयानबाजी हो रही है। लक्ष्मीकांत जी, जरा ये बताइए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, गर्मियां यहाँ पर शुरू होने वाली है, पिछली गर्मियों को छोड़ दीजिए, उससे पहले वाली गर्मियों को भी छोड़ दीजिए, अब जरा बताइए पंखे चालू होंगे, बच्चे कहां पर पढ़ेंगे, क्या कंप्यूटर यहां पर शुरू हो पाएंगे, बिजली कनेक्शन पहुंच पाएगा, क्या इतने कम समय में ये हो पाएगा जो 4 साल में नहीं हो पाया। देखिए, आपने निश्चित रूप से आंकड़ा प्रस्तुत किया कि क्या प्रतिशत स्कूलों के अंदर आज लाइट नहीं आ रही, मैं निश्चित रूप से कनेक्शन नहीं है। यदि आंकड़े की बात करें तो यदि आप पिछले 5 साल पहले चले जाते तो शायद आंकड़ों की स्थिति इतर होती, इससे बुरी दशा आपको देखने को मिलती। भारतीय जनता पार्टी, इतर स्थिति होती, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार ने काम किया, गांव गांव ढाई ढाई बिजली पहुंचाने काम किया, ये तो बिल्कुल फैक्ट्स हैं कि 8.4 लाख गांव में स्कूल पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। बिजली पर बात होगी चर्चा करूंगा, बिजली में कौन लोग जिम्मेदार है, बिल्कुल बता दूंगा। लक्ष्मीकांत जी जवाब दीजिएगा, 90% जो प्राथमिक स्कूल है वहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से आपने 90% आंकड़ा एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, 90% निश्चित रूप से आपकी, मैं आपसे इत्फाक, और ये सरकारी आंकड़ा कि आपके सरकारी आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से आप आंकड़ों के नीचे आपने लेकर प्रस्तुत किया, आंकड़े इत्फाक नाइत्फाक नहीं देखता, लेकिन सरकार लगातार प्रयास कर रही है, हमारे प्रयासों में कमी नहीं है। हम जहां तक वही बता रहा हूँ आपको, यदि माध्यमिक स्कूलों में 13,537 माध्यमिक स्कूलों में लाइट पूर्णतया आ रही है, लगातार आ रही है, इस बात का प्रयास सरकार पर नहीं पहुंच पा रही है, वहां के बच्चे, वहां की नींव कैसे मजबूत होगी, वहां की जो बेसिक नीड है वो कैसे पूरी होगी। निश्चित रूप से हम बेसिक नीड को लगातार प्रयास कर रहे हैं, और वहां गांव तो बिजली पहुंच गई है, स्कूल में कनेक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लगातार कई सारे स्कूल जो आप देखेंगे, अगर यदि एक महीने बाद आप डिबेट करेंगे जुलाई के महीने में डिबेट करेंगे, बंद हो गए, उसके बाद का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं।
20,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, उसके बाद बंद हुए जहाँ नामांकन नहीं थे, उन स्कूल में टीचर थे वहाँ इसको नामांकन नहीं थे। अब ये विषय बहुत लंबा है और बहुत सारे डिबेट अपने इस पर की है। ये बताइए, जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है वहाँ क्या करोगे? निःशुल्क बिजली कनेक्शन पहुंचाने प्रयास करेंगे, सरकार लगातार प्रयास करेंगे। 4 साल से कर रही है, 50 सालों में नहीं कर पाए, 4 सालों में करेंगे, पूरा काम करके देंगे 5 सालों में। चिंता करें आप जी, क्या बच्चों को वहाँ पर मोमबत्तियां बांटी हुई है क्या अब तक? अरे अब तक मोमबत्ती बांटे आवश्यक, दिन के उजाले पढ़ाई लगातार करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से गंभीर बात है। मैं आपकी बात नाइफा की मैंने कहा नहीं कर रहा, गर्मी लगती है, निश्चित रूप लगती है, ये एक विशेष बात है और निश्चित सरकार के लिए ध्यान देने का योग्य। ऐसा करते कि बीजेपी ऑफिस का भी कनेक्शन कटवा दीजिए, कटवा देना आप, बिल्कुल कटवा ही दे, अच्छा करेंगे आप। जी मैं यही कह रहा हूँ कि लगातार ये जो सरकार है, हमने पहली बार ऐसा देखा कि सिर्फ झूठे आंकड़े जो है सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप देखिए, 20,000 स्कूल बंद होने के बाद भी अगर स्कूलों की वही व्यवस्था की, वहां शिक्षक नहीं है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां बिजली नहीं है, तो निश्चित रूप से इस सारे सरकार की कार्यप्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रश्न चिन्ह का जवाब अब जनता देने लगी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको जो है जनता सबक सिखाएगी, ये मेरा मानना है। जिस ये बोल रहे हैं कि नामांकन बढ़े हैं, क्या अब कोई भी सब झूठे आंकड़े हम बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में भेजेगा? आपके 90 स्कूलों में बिजली नहीं आ रही, आंकड़ा सही है, सरकारी आंकड़ा ही हमने पेश नहीं किया, लक्ष्मीकांत जी हमने पेश नहीं किया, शिक्षा विभाग का ही आंकड़ा है। बात करें तो निश्चित रूप से लक्ष्मीकांत जी, प्रियंका जी, लक्ष्मीकांत जी, शिक्षा विभाग का ही आंकड़ा क्या मान लिया जाए? शिक्षा विभाग झूठ बोल रहा है। प्रियंका जी आप, मैंने कब कहा, मैंने आपकी बात की, ये कह रहे हैं कि नामांकन नहीं बढ़ा, नामांकन नहीं बढ़ा, नामांकन नहीं बढ़ा, नामांकन बढ़ा है और नामांकन लगातार बढ़ा है, तो नामांकन बढ़ने की वजह से पच नहीं रहे, अपना जो रिजल्ट बढ़ने की वजह से पच नहीं रहे, रिजल्ट अच्छा नहीं तो पच नहीं। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो स्कूलों को पीपीपी मोड पे देने की जरूरत कहां पड़ रही है? लेकिन कहीं ना कहीं इनके अभी फिलहाल आप आरोप यहां पर लगा रहे हैं, क्या आपके कार्यकाल में जब आपकी सरकार थी तब बिजली कनेक्शन थे, या फिर मान लिया जाए कि जब बीजेपी की सरकार आई तब उन्होंने काट दिए? नहीं देखिए, हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि हमने कभी झूठे आंकड़े पेश नहीं किए, जो यथा स्थिति थी वही हमने जो है हमेशा सामने रखी, लेकिन इन्होंने लगातार ये झूठे आंकड़े पेश नहीं करा, वो चाहता तो फिर इसे छिपा सकता था, ये झूठे आंकड़े नहीं है, हमने शिक्षा विभाग या सरकार झूठे आंकड़े तो पेश नहीं करा। नहीं, इनकी इनकी जो है ये कह रहे हैं कि लगातार हमारे नामांकन बढ़ रहे हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। बताइए 20,000 स्कूल हमने शुरू किए, इन्होंने बंद कर दिए, तो कौन काम को बढ़ा रहा है या कौन काम को घटा रहा है, ये तो नहीं, इसलिए भी हमने भी सवाल किया, अब इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद कोई अभिभावक अपने बच्चे को भेजेगा सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल तो पीपीपी मोड पे देने को तैयार हैं ये लोग, ये तो हमने विरोध किया तब जाकर इन्होंने उसे पीछे हटे, तो स्थिति बद से बदतर हो रही है, लगातार जो सुधार होना चाहिए उस सुधार की बजाय जो है उसमें गिरावट आती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में लोगों का मोह भंग होना ही होना है सरकारी स्कूलों से। देखिए बड़ी साफ गोई से नगेंद्र जी 2-3 आरोपों से बिल्कुल आपको कर दिया कि मना कर दिया कि इसलिए कोई जवाब नहीं। नगेंद्र जी आज यहां पर आप जरूर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये जरा बताइए कि आप विरोध कहां पर कर रहे हैं? आपका विरोध कहीं नजर नहीं आया, आप फिर किसी से चुपचाप बात कर लेते हैं? हमने कह रहे हैं छोड़ा है लक्ष्मी, आपने कुछ नहीं किया उसमें, आपने हमारे स्कूल में 20,000 स्कूल में आने के लिए हाथ तो देते हैं, आपने 20,000 स्कूल बंद करने के लिए सवाल कर रहे हैं, बनाने शुरू किए थे, विपक्ष की जिम्मेदारी बन रही है, आपने भी यहां पर आरोप नहीं लगाया, नामांकन जो बढ़े आपके समय, गांव गांव तक स्कूल पहुंचे, स्कूलों को आपने बंद कर दिया, वो कौन काम कर रहा है? अरे गांव का ढाई स्कूल हमने खोले, कौन कर रहा है वो किया जब आपकी सरकार चल रही है, नामांकन लिए जो स्कूलों में आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हो और प्रश्न हमसे पूछ रहे हो क्या किया? आपने लगातार विरोध करना चाहिए था, वो विरोध किया नहीं क्योंकि आपका विरोध 4 साल में कहीं नजर नहीं आया, आज जरूर आप यहाँ पर आरोप लगा रहे लक्ष्मीकांत जी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हर स्तर पर बात उठाया अभी लक्ष्मीकांत जी, एक दिन में कनेक्शन लग सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खैर कब यहाँ पर अंधियारा उजाले में बदलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर तमाम बातचीत करने के लिए, लंबा यहां पर कार्यकाल चला, 4 साल का वक्त हो गया, जो बच्चे हैं वो टकटकी लगाकर देख रहे थे कि शायद अब यहां पर बिजली आएगी, लेकिन वो तस्वीर यहां पर बदलती हुई नजर नहीं आ रही, सुधार की गुंजाइश जरूर थी लेकिन इच्छा शक्ति यहां पर कम पड़ गई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।